नमस्कार मित्रों, गुजराती दुनिया यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आप सबनों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महाभारत में कलियुग ने लईने भगवान श्री कृष्णए पांडवों ने पांच बातों जणावी हती, जे आजना समय में खरेखर साची साबित थई रही है। मित्रों, आजनो आ वीडियो खूबज खास है अने तमने जाणीने हैरानी थशे कि भगवान श्री कृष्णए द्वापर युग में ज कलियुगनो विस्तारपूर्वक वर्णन करता कलियुग में जन्म लेवावाड़ी मानव जातिना चालचलन व्यक्तित्व ने कलियुग में मानव ने मोक्षनी प्राप्ति थवानो मार्ग पण बतावी दीधो छे। तो मित्रों, आजना आ वीडियो में आपणे खूबज विस्तारपूर्वक वात करवाना छीए के भगवान श्री कृष्णए आजना समय विषे कई पांच वातो जणावी छे अने ई आजना समय में केटली साची पड़ी रही छे। आ प्रश्नों पर आपने खूबज विस्तारपूर्वक बात करीशुं, माटे आ वीडियो ने छेले सुधी जोवा तेमज लाइक अने शेर करवा खास विनंती। मित्रों, आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए ए पहला तमने जणावा मांगीश के जो तमे आ चेनल पर पहली वार आव्या छो तो हमणा ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। सब्सक्राइब कर्या बाद बाजू में जे बेल आइकन जे घंटड़ीनो निशान आवे एने दबावी नाखजो, जेनाथी अमारा दरेक वीडियो नी जानकारी तमने नोटिफिकेशन ना माध्यम थी मळती रहे। तो चालो आजनो आ महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करिए। मित्रों, एक समय नी वात छे ज्यारे पांच पांडवोए भगवान श्री कृष्ण थी कलियुगना विषय में चर्चा करता एवी इच्छा जाहिर करी के कलियुगनो मानस केवो हशे, एमनो व्यवहार केवो हशे अने एमने मोक्षनी प्राप्ति केवी रीते थशे। आज प्रश्नों जवाब आपवा माटे श्री कृष्ण कहे छे के तमे पांचे भाई वन में जाओ अने तमे त्यां जे पण जुओ ई आवीने मने जणावजो अने हूँ तमने एनो कलियुग में प्रभाव बतावीश। पांचे भाई वन में अलग अलग दिशाओं में जाए छे। युधिष्ठिर जुए छे के एक हाथीनी बे सूंडो छे। अर्जुन बीजी दिशा में जुए छे के एक पक्षी छे अने एनी पांखों ऊपर वेदों की रचनाओं लखेली छे, पण ई पक्षी मुर्दाओं मांस खाई रह्यो छे। भीम जुए छे के एक गाये वाछड़ा ने जन्म आप्यो छे अने ते वाछड़ा ने एटलो चाटी रही छे के वाछड़ो लोही थी लथपथ थई जाय छे। सहदेव जुए छे के एक साथे सात कूवाओ छे अने आजूबाजूना कूवाओ में पाणी छे पण वच्चेनो कूवो खाली छे, वच्चेनो कूवो सौथी ऊंडो छे आम छतां पण एमां पाणी नथी। पांचमो पांडव नकुल जुए छे के एक पहाड़ उपरथी एक मोटी शिला नीचे पड़ी रही छे। शिला घणा बधा वृक्षों साथे टकराय छे पण ई बधा वृक्षों ने तोड़ती जाय छे, अंतमां एक नानकड़ा वृक्षना छोड़ साथे टकराता ई स्थिर थई जाय छे। आ घटनाओ जोईने पांचों भाईओना आश्चर्यनो कोई पार न रह्यो। पछी सांजे ते श्री कृष्ण पासे जाय छे अने पोताना अलग अलग दृश्यनो वर्णन करे छे। पहला युधिष्ठिर बोल्या के मैं बे सूंडवाड़ो हाथी जोयो अने मारा आश्चर्यनो कोई पार नथी रह्यो। अने त्यारे श्री कृष्ण जवाब आपे छे के कलियुगमां आवाज लोकोनो राज हशे जे बन्ने बाजूथी शोषण करशे, कहेशे काईक अने करशे बीजू काईक। कलियुग में आवाज लोकोनो राज चालशे माटे तमे पहला राज करी लो। पछी अर्जुन कहे छे के मैं एक एवो पक्षी जोयो जेनी पांखों ऊपर वेदों की रचनाओं लखेली हती, पण ई पक्षी मांस खाई रह्यो हतो। श्री कृष्ण कहे छे के आवी ज रीते कलियुग में एवा माणसो रहेशे जे पोताने मोटा पंडित अने विद्वान कहेशे, पण ते हमेशा ई जोता रहेशे के कयो माणस मारा अथवा मारा नाम थी संपत्ति करी जाए। संस्थाना व्यक्तिओ विचारशे के कयो माणस मारा अने संस्था अमारा नाम थी थई जाए। हर जातिना लोको प्रमुख पद पर बेसीने विचार करशे के आजे कोना घरे श्राद्ध छे, भले गम्मे एटला मोटा व्यक्ति हशे पण एमनी नजर तो धन उपर अने मांस भक्षण उपर ज रहेशे। कलियुगमां एवा लोकोनी संख्या वधारे हशे जे गम्मे तेनो धन जाटवा माटे आतुर रहेशे अने साचा संतनी कलियुगमां कोई किंमत नहीं करे। आना पछी भीम कहे छे के मैं जोयुं के एक गाय पोताना वाछड़ाने एटलो चाटी रही छे के ते वाछड़ाने लोही निकळवा लागे छे, पण गाय तेना वाछड़ाने चाटती ज रहे छे। आना उपर श्री कृष्ण कहे छे के कलियुगनो माणस शिशुपाल थई जशे,
एक माँ बाड़क माटे एटली ममता करशे के एने एना पोताना विकासनो अवसर ज नहीं मळे। कोईनो छोकरो घर छोड़ीने साधु बनशे तो हजारों माणसो दर्शन करवा जशे, पण जो एना पोतानो दीकरो साधु बनशे तो ते रोशे अने कहेशे के मारा दीकरानो शुं थशे। बाड़क माटे एटली ममता हशे के एने मोह माया अने परिवारमां ज बांधीने राखवामां आवशे अने एनो जीवन त्यां समाप्त थई जशे। अंतमां बिचारो अनाथ थई अने मरी जशे। हवे आना पछी सहदेव कहे छे के मैं जोयुं के सात कूवाओ छे, छ कूवाओ पाणीथी भरेला छे, पण एनी वच्चेनो कूवो एकदम खाली छे। आना उपर भगवान श्री कृष्ण कहे छे के कलियुगमां धनवान लोको छोकरा छोकरीना लग्नमां मकानना उत्सवमां अथवा तो नाना मोटा उत्सवोमां लाखों रुपया खर्च करी नाखशे, पण एना पाड़ोशमां जो कोई व्यक्ति भूख्यो अथवा तरस्यो हशे तो ई नहीं जुए के एनो पेट भरायो छे के नहीं। बीजी बाजु मौज मस्ती शराब कबाब अने व्यसनमां पैसा उड़ाड़ी देशे, पण कोईना बे आंसू पोछवामां एमनी कोई रुचि नहीं होय। अने जेमनी आवा कामों में रुचि हसे एमना उपर कलियुगनो कोई प्रभाव नहीं पड़े, एमना उपर हमेशा भगवाननो प्रभाव पड़शे। हवे छेले पांचमो पांडव नकुल कहे छे के मैं एक मोटी चट्टान ने पहाड़ उपर थी पड़ती जोई, मोटा मोटा जाड़वा हुई चट्टान ने रोकी न सक्या, पण एक नानकड़ा जाड़ना छोड़ साथे टकराईने चट्टान स्थिर थई गई। आना उपर श्री कृष्ण जवाब आपे छे के कलियुगमां माणसनो मन नीचे पड़शे अने जीवननो पतित थशे, अने आ पतित जीवन धननी शिलाओथी ऊभो नहीं रहे अने ना तो सत्ताना वृक्षोथी, पण हरि नामना एक नानकड़ा छोड़थी, हरि कीर्तनना एक नानकड़ा छोड़थी मनुष्य जीवननो पतन थवानो थंभी जशे। मतलब के कलियुगमां हरिना जापथी ज मोक्षनी प्राप्ति थशे। तो मित्रों आ छे कलियुगना पांच सत्य जे भगवान श्री कृष्ण पहलाथी ज कही गया छे। तो मित्रों आ पांच वातो आजना समय मां केटली साची पड़ी रही छे तमारो जवाब अमने कमेंट करीने जणावा खास विनंती। मित्रों तमारा माटे एक सारा विषय उपर वीडियो बनावामां अमने घणो ज समय लागी जाय छे, माटे आ वीडियोना बदले अमे तमारा पासेथी एक लाइक अने एक शेरनी आशा जरूर राखीए छीए, कारण के तमारी एक लाइक अने एक शेर अमने आवा जानकारी सबर वीडियो बनावानी प्रेरणा आपे छे। माटे जो आ वीडियो तमने पसंद आव्यो होय तो आ वीडियो ने लाइक करीने तमारा मित्रों अने परिजनों साथे शेर करवा खास विनंती। अने जो तमे अमारा गुजराती दुनिया नामना यूट्यूब चेनल उपर पहली वार आव्या छो तो हमणा ज आ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। सब्सक्राइब कर्या बाद बाजूमां जे बेल आइकन जे घंटड़ीनो निशान आवे एने दबावी नाखजो, जेनाथी अमारा दरेक वीडियोनी जानकारी तमने नोटिफिकेशनना माध्यमथी मळती रहे। आखो वीडियो जोवा बदल आभार। हवे आपणे मळीशुं एक आवाज नवा जानकारी सभर वीडियोमां। धन्यवाद।